जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस गायत्री परिवार का इस विचार को शांति कुंज से लेकर विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचाया है। बहुत बार मन में एक बात आती है कि विचारों में मतभिन्नता क्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, पर विचार शून्यता ये हमारी समस्या है। यानी और राजनीति में तो शून्यता ही शून्यता है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर्स पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है, और पार्टी एंड फिलोसॉफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जीने की जो प्रेरणा मिलती है वो विचारों से मिलती है, और विचारों का जो प्रतिबिंब होता है वो संस्कारों से संबंधित होता है, व्यक्ति निर्माण से होता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति अगर बुरे माहौल में फंस जाता है तो अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, पर जब बुरा व्यक्ति अच्छे माहौल में आता है तो वह अच्छा बन जाता है। इसका मतलब, जैसी मिट्टी होती है उसको मूर्तिकार जिस प्रकार से आकार देता है वैसे मूर्ति बनती है। और इसलिए हमारे जीवन में माता पिता के कारण, गुरुओं के कारण, शिक्षक कॉलेज में, स्कूल में जो हमको मार्गदर्शन करते हैं उनके कारण हमारे जीवन पर उसका परिणाम होता है। मैं बीच में सोच रहा था कि किन किन बातों से मानवीय मन पर परिणाम होता है, तो मुझे ध्यान में आया कि अगर अच्छा नाटक आप देखते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छा संगीत सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे शब्द सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे वातावरण में अगर आप कोई योग साधना करते हो उसका परिणाम होता है, ध्यान धारणा करते हैं उसका परिणाम होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये जो अनुभूति होती है ये उसके सहवास में जो लोग अच्छे उसको मिलते हैं उनके कारण हमें अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन पर उसका परिणाम होता है। हम जब बचपन में, मैं स्कूल में था तो हमको मराठी में एक किताब में ऊपर एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, थोर महात्म्य हो न गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान वावे हाच सापडे बोध करा। ये जो थोर महात्मा हो के गए हैं उनका चरित्र देखना चाहिए, उनका जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व देखना चाहिए, और उनके समान हमने भी होने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये पूछेंगे कि हमारे बीच में पूर्णांक कौन है, 100% परफेक्ट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण हुआ है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए पूर्णांक मिलना असंभव है। पर इसमें प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही है कि हम लोग अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, और जब हम सब जगह पर जाते हैं तो उन लोगों से हमें कुछ समझने के लिए मिलता है, कुछ देखने के लिए मिलता है, और वो बातें आपके जीवन पर परिणाम करती हैं। मैं मुंबई में मंत्री था और मेरा एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, तो मलबार हिल पर मैं रहता था, तो एक दिन रतन टाटा, उनका मुझे फ़ोन आया कि मुझे तुमको मिलने के लिए आना है।
तो मैंने कहा मलबार हिल पर, रॉकी हिल में मैं रहता हूँ, आप आइए। जब रतन टाटा आ रहे थे तो वो रास्ता भूल गए, तो मैं तो उस समय थोड़ा व्हीलचेयर पर ही था। तो फोन जब बचा, फिर से उनका फोन आया, तो आवाज़ उन्हीं का था, तो उन्होंने कहा नितिन मेरा, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। मैंने तुरंत कहा ऐसा करो तुम्हारे ड्राइवर के पास फोन दो, मैं उसको समझाता हूँ। बोले मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये इतने बड़े विश्व के धनवान व्यक्ति है और ड्राइवर नहीं इनके पास। फिर मैंने उनको कहा गाड़ी रोको, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने समझाया, वो मेरे घर पर आए। फिर एक मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे, तो मैंने, मेरी इच्छा हुई कि एक एक क्षेत्र के व्यक्ति के हाथ से उद्घाटन करना। तो बहुत फिल्म स्टार को लेके गया सबको, आप बहुत अत्यधिक ख़त्म हो गए। तो मैंने रतन टाटा को नवी मुंबई में एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया, गुलाबे में रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर के बाजू में हेलीपैड है, मुंबई में ट्रैफिक जाम बहुत होता है, तो आप हेलीकॉप्टर से चलिए, आपका समय बचेगा। तो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठा, तो वही हेलीकॉप्टर चला रहे थे। फिर मैंने उनको एक दिन कहा कि संभाजी नगर में डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम के एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है और उसका उद्घाटन आपको करना है। मुझे हमारे प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक थे पंशीकर मुकुंद राव, उनने मुझे कहा था कि तुम बोलोगे तो नहीं नहीं बोलोगे, उनको लाना ही होगा। तो मैं धर्म संकट में था, तो मैंने उनको कहा कि आप इस उद्घाटन के लिए आइए। तो उन्होंने कहा नितिन मैंने अपने भी फैक्ट्री का कभी उद्घाटन नहीं किया। तो मैंने उनको कहा कि आपने किया है कि नहीं किया है मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आपका मित्र हूँ और मेरी बात को आपको आना होगा, यही मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले आप कह रहे तो मैं आऊँगा। उनके हवाई जहाज से मैं जब संभाजी नगर औरंगाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, तब मैंने देखा कि वो जनरली गाड़ी में ड्राइवर के अपोजिट साइड पीछे में मुख्य आदमी बैठता है। तो गाड़ी में उनकी ब्रीफकेस थी, तुरंत मैंने हमारे सरकारी, अब मैं गया था तो मंत्री था तो सरकारी तामझाम होता ही है, तो मैंने टाटा साहब की ब्रीफकेस ला हाथ में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी ब्रीफकेस में ही लूँगा। और वो उस गाड़ी में मुझे कहा नहीं नहीं आप इधर बैठो, मैं नहीं बैठूँगा। तो मैंने जब देखा ये बात कि नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, ये देखने के बाद मेरे मन पर परिणाम हुआ कि ये आदमी इतना धनवान है पर जीवन में कितना सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है, कितनी नम्रता है, कितनी शालीनता है, सहजता है, सहृदयता है। मैं अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपने कितना काम किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर पब्लिक डोमेन में आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, शालीनता के साथ है, सहजता का साथ है, सहृदय का साथ के साथ है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो व्यक्ति निर्माण जो होता है, इसमें हमारे यहाँ एक रामू मालगी करके सांसद थे, तो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि व्यक्ति कैसा अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर पर बर्फ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हृदय में प्रेरणा होनी चाहिए काम करने की, मुंह में शक्कर चाहिए और पैरों में चक्र चाहिए, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पर उनके नज़दीक जाने के बाद अहंकार की बदबू इतने आती है कि ऐसा लगता है ज़्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, मैं यही चलते रहता है। पर आज स्वाभाविक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में ये जो छोटे छोटे सद्गुण है, इनका संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। जीवन मूल्यों का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है, और इन संस्कारों के यज्ञ में जो जो हम हासिल करते हैं उसी से हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होता है।
मेरे जैसे व्यक्ति बहुत ही सामान्य हैं। मैं मजाक में कहता हूँ कि चित्रपट सामने से और नाटक पीछे से देखने वालों में से हम हैं, तो स्वाभाविक रूप से अच्छाई पर, अच्छे गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए जो जो व्यक्ति हमारे जीवन प्रवास में हमको मिलता है, उसके अच्छे गुण दिखते हैं, उसको आत्मसात करना, यही व्यक्ति निर्माण में सबसे बड़ी बात होती है। और अगर देश बदलना है तो समाज बदलना होगा, समाज बदलना है तो व्यक्ति बदलना होगा, और व्यक्ति बदलना होगा तो उसके अच्छे विचारों के आधार पर संस्कार करने होंगे, अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। मैं कभी कभी मजाक में, मैं ऐसे दिल्ली कभी आना नहीं चाहता था, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे शहर से ज़्यादा प्रेम नहीं था। तो अचानक जब मुझे बताया गया कि तुमको बीजेपी का अध्यक्ष बनना है, तो मुझे खुशी होने के बजाय टेंशन आया था। अब दिल्ली मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती, ये मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा। तो मुझे खूब लोगों से मिलने का मौका मिला, दुनिया भर के लोगों को, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर सब उद्योगपति, और अलग अलग लोगों से मिलता रहा, मुझे भी खुशी रहती है। तो एक बार मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तुमने क्या देखा? तो मैंने उनको ये कहा कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मेरे दिल में जिनके बारे में बहुत बड़ी इमेज थी, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतने ये बड़े नहीं, ये बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि नागपुर जिले के एक हिंगना तहसील में